अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि हम खैरियत से होंगे। आज हम आपको ओलिविया लोशन के बारे में बहुत ही ज़बरदस्त रिव्यू बताने वाले हैं कि किस तरह की प्रोडक्ट है, कौन सी ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट है, किस तरह से हमने इसको यूज़ करना है, क्या फ़ायदे नुकसान है, पैकिंग के बारे में, प्राइस के बारे में तमाम इस वीडियो में आपको डिटेल मिलेंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी गुजारिश है, वीडियो पसंद आए तो उसको ज़रूर लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो ये देख सकते हैं ओलिविया लोशन। ओलिविया लोशन आपको इस तरह से बॉटल, आपकी इस तरह प्लास्टिक की बॉटल होती है और इस तरह से इसका ढक्कन होता है, आपको मिल जाती है छोटे साइज़ में, बड़े साइज़ में, उससे भी बड़ा साइज़ होता है। तीन तरह के इसके साइज़ होते हैं। मेरे पास ये सबसे छोटा और नॉर्मल वाला साइज़ है, आप कोई सा भी साइज़ इसका अवेलेबल कर सकते हैं। इसका बॉटल, इस तरह की पैकिंग इसकी इस तरह से कि ये बिल्कुल इसका टूटने का डर नहीं होता। अगर आप इसको फेंकेंगे भी तो उससे कुछ नुकसान नहीं होगा। कहीं से भी आपको इजीली किसी भी मार्केट, किसी भी स्टोर से आपको मिल जाएगी, कहीं से भी आप इसको बाय कर सकते हैं। इस तरह की इसकी पैकिंग है। प्राइस हम बात करें तो ये 100 से 150 में और आपको ये 50 से 100 की रेंज में आपको ये दोनों मिल जाएंगी। और अब इस तरह से आप साइज़ के बारे में भी इसको देख सकते हैं, इस तरह की पैकिंग है। मुख्तलिफ किस्म के इसके फ्लेवर हैं, जैसे ये हनी आलमंड लोशन है और ये एलोवेरा है। इसमें एलोवेरा प्रोडक्ट पाया जाता है और इसमें हनी और एलमंड पाया जाता है। तो ये दोनों मुख्तलिफ हैं और इनकी खुशबू भी मुख्तलिफ है। इसमें आपको हनी की खुशबू आती है, इसमें एलोवेरा की खुशबू आती है। और इससे आपके फ़ायदा ये है कि आप अपनी स्किन पर, अगर आप सर्दियों के मौसम में लगाते हैं तो आपकी जो स्किन है वो ज़्यादा मॉइस्चराइज हो जाती है, शाइन आना शुरू हो जाती है। और अगर आप इसको ड्राई स्किन वाले भी इसको यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। ड्राई स्किन वाले के लिए ये आप देख सकते हैं मॉइस्चराइजिंग क्लिनजिंग मेक। इससे आप, अगर आप, आपको मैं एक और टिप देती चलूँ कि आपने अगर कोई भी फेशियल यूज़ करना है या कोई भी रेमेडी आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे पहले आप इन दोनों में से किसी को भी मॉइस्चराइजिंग क्लिनजिंग मिल्क है ये, तो आपने इसको अच्छे से पहले लगाना है, उसको अच्छे से मालिश, उस मसाज करना है ताकि आपके चेहरे पर, जिल्द पर जो भी गंदगी है, जो भी डस्ट है या कुछ भी है, मेकअप है, तो अच्छे से क्लीन हो जाए। उसके बाद अपने फेस वॉश करके कोई भी रेमेडी इस्तेमाल कर लेनी है। और दूसरा ये कि ड्राई स्किन वाले भी और विंटर में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आपकी जो स्किन है वो मॉइस्चराइज रहती है। और ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसकी खुशबू बहुत मज़े की होती है, तो ये आप ले सकते हैं। एलोवेरा के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो आप इन दोनों से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। दोनों बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और इससे बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग हो जाती है। और इस तरह से इसकी पैकिंग है और इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि इस तरह के ये इसकी है। मैं आपको लगा के भी थोड़ी सी दिखा देती हूँ। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से इसकी है और आपको मैं फेस हैंड पे लगा के दिखा रही हूँ। ये देख सकते हैं आप इस तरह से, तो ये आपकी जो स्किन है वो ज़्यादा मॉइस्चराइज हो जाती है और शाइन आना शुरू हो जाती है और सॉफ्ट हो जाती है। तो ये आप इसको सर्दी में भी यूज़ कर सकते हैं, ड्राई स्किन वाले भी इसको यूज़ करते हैं। मेरी अपनी ड्राई स्किन है तो इसको मैं यूज़ करती हूँ और डेली बेसिस पे मैं इसको यूज़ करती हूँ, उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। आप भी इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन मुझे ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।